गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल कछौरिया एक बार फिर आपका हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो हमारे पुराने पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रोनाउन के थ्योरी पार्ट्स से हैं, तो आप अपने नोटबुक और कॉपी को निकाल लीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है, वी वेंट टू रंजनास पार्टी, फिल इन द ब्लैंक्स, वी एंजॉय इट वेरी मच। तो इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि इसमें जो भी वर्ड्स हमको फिल करने हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन फिल करने। देखिए यहाँ पर नोट डला हुआ है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इस चीज़ को आपको नोट करना है। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन वही प्रोनाउन होते हैं जो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताए थे। मैं दोबारा अपडेट कर देता हूँ, जैसे कि मान लो विच, जैसे हु, जैसे वेयर, जैसे व्हाट, राइट, जैसे व्हेन, हुम, ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और हमको यही सिलेक्टिव वर्ड्स में से इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करने हैं। तो चलिए हम लोग दोबारा से पहला वाला सेंटेंस देखते हैं, वी वेंट टू रंजनास पार्टी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो पार्टी है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो जो पार्टी है वो नॉन लिविंग है, ना कि लिविंग, ठीक है, क्या है, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग के लिए हम लोग जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो सिंपल है, क्या यूज़ करेंगे, विच। चलिए विच को यहाँ पर सूट करके देखते हैं, वी वेंट टू रंजनास पार्टी विच, वी इंजॉयड वेरी मच। तो हम रंजना की पार्टी में गए थे जो हमने बहुत इंजॉय की। तो ये पूरी तरीके से सूटेबल है, पूरी तरीके से परफेक्ट है और आपको इसमें कुछ और एडिट नहीं करना, ये 100% आपका सेंटेंस सही हो गया। तो जैसे आप यहाँ पर विच को क्लिक करेंगे तो आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, अंजलि वेंट टू द डॉक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स, टोल्ड हर टू रेस्ट फॉर 7 days एटलीस्ट। अब यहाँ पर अंजलि वेंट टू दी डॉक्टर, तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो लिविंग है या नॉन लिविंग, पहले ये समझ लेते हैं। तो जो डॉक्टर है वो लिविंग है, तो लिविंग के लिए हम लोग कौन से इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, हु, हुम और समटाइम्स हुज भी, बट हम लोग देखेंगे इसमें सूटेबल क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सूटेबल क्या है। अंजलि वेंट टू द डॉक्टर, अंजलि डॉक्टर के पास गई जिन्होंने उसे बताया कम से कम 7 दिन का आराम। तो यहाँ पर हम लोग जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें ऐसा नॉमिनेटिव केस है, ऐसा सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो मैं आपको पहले थ्योरी पार्ट में बता चुका हूँ कि जब भी हम हु या हुम में से डिसाइड करना हो कि हम लोग कौन सा इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्टिव केस है या फिर ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन का केस है वो साफ साफ क्लियर हो रहा कि ये सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे हु। ठीक है, अब हम लोग दोबारा से हु को फिल करने के बाद देखते हैं हमारा सेंटेंस कितना सही है। ठीक है, चलिए, अंजलि वेंट टू द डॉक्टर हु टोल्ड हर टू रेस्ट फॉर 7 days एटलीस्ट। अंजलि डॉक्टर के पास गई जिन्होंने उसे बताया कि आप कम से कम 7 दिन का आराम करें, और ये वाला सेंटेंस आपका सही हो जाए। इसलिए मैं बार बार आपको अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि आप अपने साथ नोटबुक या कॉपी ले लीजिए ताकि आपको मदद मिले। मैं जो भी आपको यहाँ पर एडिशनल चीज़ें नोट कराता हूँ, अगर आपने डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने थ्योरी पार्ट नहीं पिक किया हो तो आप यहाँ से भी इसको सीख के ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, फिल इन द ब्लैंक्स, डज योर सिस्टर लिव। अब यहाँ पर रहने का अगर हम लोग देखें, लिव का मतलब क्या होता है, रहना। तो सिंपल है कि आपकी सिस्टर है वो कहाँ रहती है ना, बहुत सिंपली सी बात है। तो आपको इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस है, जो आप अमूमन जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़ते हैं वो आपको वैसे ही समझ आता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सिंपली वेयर पुट करें, जैसे हम लोग यहाँ पर वेयर पुट करेंगे, देखिए, तो वेयर पुट करने के बाद हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, हम लोग यहाँ पर जैसे वेयर लिखेंगे
तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए कहते हैं, वेयर डज योर सिस्टर लिव, आपकी बहन कहाँ रहती है। क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव वर्ड है, इंटरोगेटिव वाक्य है, तो इसीलिए इसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डैश या फिल इन द ब्लैंक्स, बुक डू यू लाइक। तो सिंपल है, क्योंकि हम लोग कौन सी किताब पसंद करते हैं या तुम कौन सी किताब पसंद करते हो, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, विच। जैसे हम लोग यहाँ पर विच का यूज करेंगे, आपका ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोबारा से देखिए, विच बुक डू यू लाइक, आप कौन सी किताब पसंद करते हो, ये आपका सेंटेंस 100% सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स या फिर डैश, डिड यू फिनिश द गेम। डैश, डिड यू फिनिश द गेम, सेंटेंस ये है, अब आपको सही करना है इसमें। तो देखिए, फिनिश द गेम का मतलब है समाप्त किया, खेल समाप्त। तो सिंपल है कि आपने खेल कब समाप्त किया, सिंपल है ना, मतलब ये तो बहुत कॉमन सेंस है हर किसी को समझने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो क्या यूज़ करेंगे, वैन। और जैसे हम लोग यहाँ पर वैन प्रोनाउन यूज़ करेंगे, आपका ये वाला सेंटेंस भी 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। द वुमेन डैश आई मेट यस्टरडे लेंट मी हर अम्ब्रेला। ठीक है, द वुमेन जिससे मैं कल जिस औरत से मैं कल मिला, उससे मैंने छाता लिया, सेंटेंस ये है। अब आप इसमें क्या सूट करोगे, क्या पुट करोगे, तो मैं आपको पहले हु, हुम और हुज की थ्योरी समझा चुका हूँ। तो आपने इसमें सिंपली क्या पुट करना है, हुम। तो द वुमेन हुम आई मेट यस्टरडे लेंट मी हर अम्ब्रेला। ठीक, चलिए नेक्स्ट। द हॉर्स डैश आई सिलेक्टेड, द हॉर्स फिल इन द ब्लैंक्स आई सिलेक्टेड वॉन द रेस यस्टरडे। सो अब देखिए, यहाँ पर एनिमल की बात हो रही, मैंने आपको पहले भी बोला, जब भी कोई नॉन लिविंग चीज़ हो या फिर कोई एनिमल की बात हो, तो उसके लिए हम हु, हुम या हुज यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग उसके लिए हमेशा क्या यूज़ करेंगे, विच यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एनिमल है, तो हम लोग इसके लिए सूटेबल वर्ड क्या होगा, विच। तो हम लोग यहाँ पर विच पुट करेंगे और अपना जो आंसर है वो करेक्ट बनाएंगे। इसका मतलब है, जो घोड़ा घोड़ा जो मैंने सिलेक्ट किया वो कल की रेस जीता। ठीक है, घोड़ा जो मैंने सिलेक्ट किया, जो मैंने पिक किया, जो चूज़ किया, वह कल की रेस जीता। चलो नेक्स्ट। ही डिड नॉट नो डैश टू से देन, ही डिड नॉट नो डैश टू से देन। तो सिंपल है कि मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता उसने क्या कहा, सिंपल है ना, मुझे नहीं पता, ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता क्या कहना था। तो हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, वॉट। और जैसे ही यहाँ पर वॉट पुट करेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। शेक्सपियर डैश इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट वॉज बॉर्न इन कॉटेज। तो शेक्सपियर एक इंसान है, और हम लोग यहाँ पर क्योंकि एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे इससे पहले, तो सिंपल है, यहाँ पर आप हु पुट कर दीजिए, और जैसे ही आप हु पुट करेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी शेक्सपियर हु इज़ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट वॉज बॉर्न इन कॉटेज। ठीक है, नेक्स्ट। द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम SP कहते हैं, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डैश वर्क इज़ वेरी प्रिकेरियस कॉमा टेक्स केयर ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है उसका काम, तो उसके काम के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, हुज वर्क। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, हुज वर्क। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज लेके आऊँगा, जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और ये सारी एक्सरसाइज जो मैं करा रहा हूँ, फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चंस आपके बैंक, SSC, PO के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली इन
एक्सरसाइज को यहाँ पर देखते हैं। और अगर आप सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चंस आपके TET के एग्ज़ाम में, CTET के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये मददगार है ही। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।